भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस राष्ट्र सेवा के 47 वर्ष की विचारधाराओं पर आधारित भाजपा रूपी छोटे से पौधे को अपने अमूल्य त्याग व कठोर परिश्रम से आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित करने वाले व पूरे होने पर पूरे भारत वर्ष की तरह लोनी विधानसभा जिला गाजियाबाद में भी हर्ष उल्लास के साथ व भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी मंडलों में कार्यक्रम किए गए, जिसमें जिले के अध्यक्ष बसंत त्यागी जी ने कहा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह भारत देश के परम वैभव की ओर बनाने के लिए 1980 में भाजपा की स्थापना की गई, जो कि पहला सत्र बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, एकजुट होके संगठित होके भाजपा ने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने के बाद जो जीत निकल के आई है उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। आपकी बदौलत है कि भाजपा यहाँ पिछला लगातार तीसरा चुनाव ऐतिहासिक और रिकॉर्ड वोटों से जीती है। सबसे पहले हम 2014 में जब लोकसभा के चुनाव में गए थे, 2012 से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जब 2012 का नगर पालिका का चुनाव हुआ तो आप लोगों ने सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से मुझे चुनाव जीता कर भेजा, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जनरल वीके सिंह साहब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो हम 5,67,000 वोटों से चुनाव जीते। मोदी जी के बाद गाजियाबाद लोकसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते। और उसके साथ एक चीज और कि हम वो विधानसभा लोनी विधानसभा 80,000 वोटों से जीते थे। वर्तमान में ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी हम लगभग 42,000 वोटों से चुनाव जीते। चुनाव जीतना चुनाव वाद्य है, चुनाव चले जाते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है कि जो 2019 का सपना जिसने देखना शुरू कर दिया। ये सारा संगठन, ये संगठन को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और इस तरह के कार्यक्रम लगातार निरंतर खाली नहीं बैठने देना, जुट जाना है। एक चीज विजय प्राप्त की है, दूसरी विजय का इंतजार। योगी जी के आने के बाद में भाजपा के साथ साथ विपक्ष को भी ये महसूस हो गया कि भाजपा की राजनीति 35 साल के लिए और जिंदा हो गई है।